चुनावी समर में सभी राजनीतिक दल अपनी आहुति देने में लगे हैं। अब इस छोटे राजनीतिक दल कैसे पीछे रह सकते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी में संगठन खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के साथ नया गठबंधन बनाया और अखिलेश यादव की पीडीए की काट के लिए पीडीएम बनाया और पीडीएम बैनर तले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस गठबंधन में अपना दल कमेरावादी AIMIM राष्ट्रीय उदय पार्टी एवं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी शामिल है। अपना दल ने शनिवार को 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। कार्यालय स्थित लखनऊ में डॉक्टर पल्लवी पटेल की मौजूदगी में कल देर शाम तक चली बैठक होने के बाद पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशियों की पहली सूची आज सुबह जारी की गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजय पटेल ने कहा कि हमारी पीडीएम उत्तर प्रदेश मजबूती से चुनाव लड़ रही है, बाकी बची हुई अन्य सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। पीडीएम की तरफ से रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबीन और बरेली से सुभाष पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं हाथरस से डॉक्टर जयवीर सिंह, धानगर फिरोजाबाद से प्रेम दत्त बघेल, फतेहपुर से रामकिशन पाल, भदोही से प्रेमचंद्र बिंद, चंदौली से जवाहर बिंद को प्रत्याशी बनाया गया। पल्लवी पटेल ने इस गठबंधन को लेकर कहा कि नई राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्न सामाजिक समूहों, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग की अनेक जातियों, दलित और मुसलमान का दमन, उत्पीड़न व अन्याय बढ़ा है। सरकार की कार्यशैली व मुख्य विपक्ष का इन सवालों पर पीछे हटना नई राजनीतिक विकल्प की मांग करता है। इसलिए हम पीडीएम के नारे के साथ पिछड़ा, दलित, मुसलमान की भागीदारी के सवाल पर और दमन, उत्पीड़न व अन्याय के खिलाफ नए राजनीतिक विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि आने वाले चुनाव में पीडीएम से अखिलेश की पीडीए को कितना नुकसान पल्लवी पहुंचा पाती हैं और 2024 के महासमर में कितनी सीट अपने गठबंधन को दिला पाएंगी।